लखनऊ से बड़ी खबर है, उड़ान के लिए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट फिर से तैयार हो चुका है। 21 मई से घरेलू विमानों की उड़ान शुरू हो जाएगी। एक उड़ान लखनऊ से अमृतसर के लिए, दूसरी उड़ान दिल्ली से लखनऊ के लिए। तो घरेलू उड़ान की शुरुआत जो है वो होने वाली है। 21 मई से घरेलू विमानों की उड़ान जो है वो शुरू होने वाली है। उड़ान के लिए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। 2 महीने का वक्त लगभग बीत चुका है और अब एक बार फिर से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। 21 मई से घरेलू विमानों की उड़ान शुरू होगी। उड़ान के लिए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट फिर से तैयार है। अभी फिलहाल 2 उड़ान यहां से होंगी, एक उड़ान लखनऊ से अमृतसर के लिए, दूसरी उड़ान जो है दिल्ली से लखनऊ के लिए। धीरे धीरे करके फ्लाइट्स हो या रेल सेवा, इनको खोला जा रहा है, लेकिन एक साथ सभी जगह की फ्लाइट नहीं शुरू की जा रही है। लखनऊ से अमृतसर और दिल्ली से लखनऊ आप आ जा सकते हैं अगर आप फ्लाइट सेवा लेना चाहते हैं। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, पूरी तैयारी हो चुकी है, एयरपोर्ट की अथॉरिटी से आपकी बातचीत हुई, किस तरह की तैयारी हुई, सैनिटाइजेशन का पूरा काम किया जा चुका है, चुनौती उनके सामने भी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से वंदे मातरम के तहत कुछ 9 तारीख को कुछ लोगों को दुबई से जो लखनऊ लाया गया था, इसके बाद उसी के तहत 21 अप्रैल से कुछ लोगों को अमृतसर से लखनऊ लाया जाएगा और वहीं दिल्ली से लखनऊ लाने की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि पूरे एयरपोर्ट पर जो है सैनिटाइजर करा दिया गया है, हर स्कैनर लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है। इसके बाद जाँच, जो संदिग्ध लोग होंगे उनकी जाँच की जाएगी। इसके बाद उनको जो लखनऊ के अंदर क्वारंटीन व्यवस्था है वहां पर क्वारंटीन 14 दिन के लिए किया जाएगा। उसके बाद उनको जहां पर उन चिकरा जनपद है वहां पर उनको भेजा जाएगा। दूसरी चीज, एयरपोर्ट ने बताया कि एक तारीख से जो उड़ाने हैं वो शुरू करने का प्लानिंग है। उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है पोर्टल के तहत, और कंपनी की वेबसाइट में बुकिंग स्वीकारी शुरू कर दी गई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में है उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे स्थितियां सुधार पे आने लगी है। घरेलू उड़ान की 1 जून से सारी फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, सारी फ्लाइट्स जो है वो जाएंगी, और क्योंकि 21 मई से तो यही खबर आ रही है कि 2 उड़ानों को परमिशन मिली है। देखिए, 21 मई को सिर्फ 2 उड़ानों को परमिशन है, जो दिल्ली से जो लखनऊ और अमृतसर से लखनऊ, लेकिन 1 जून से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो घरेलू उड़ानों के लिए कोशिश करे कि जो लोग वहां बाहर फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो उन लोग के लिए कहीं व्यवस्था करने की एयरपोर्ट ने तैयारी किया है, लेकिन उनका ये भी कहना कि अगर उन्होंने लेटर सरकार को दिया है, अगर सरकार से कोई आपत्ति होगी तो उड़ानें रद्द कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल 21 तारीख की जो उड़ानें हैं, जो लोग वंदे मातरम के तरफ से जो लाए जा रहे हैं, वो 21 तारीख से चालू हो जाएगी, 2 उड़ानें लखनऊ के लिए आएंगी। तो ये कह सकते हैं कि फ्लाइट्स बुकिंग, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से निर्देश जब मिलेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो फिर वो देखेंगे कि आगे क्या करना है। 1 जून की बात कर रही हूँ अरुण, तो 1 जून के लिए बुकिंग तो पहले से शुरू हो सकती है? जी, बुकिंग पहले से शुरू कर दी गया, उनका जो बुकिंग पोर्टल है उस पर शुरू हो गया, विमान कंपनियों का जो वेबसाइट है उस पर बुकिंग शुरू कर दी गई है 1 तारीख के बाद से। लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये भी कहा है कि जैसे कुछ जगहों में रेलवे ने बुकिंग बंद कर दी, इस वजह से अभी जब उन्होंने लेटर दे रखे हैं, अगर उस पर कोई भी आपत्ति आती है तो बुकिंग रद्द कर दी जाएगी और जो पैसा है उनका वो उनको वापस कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।